हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरसा की छोटी सी दुनिया में आपका बेहद दिल से स्वागत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज मैं आपको कहाँ लेके आ गई हूँ, देवड़ी मंदिर। तो MS धोनी जी भी यहाँ पर आए हुए थे और हमेशा आते रहते हैं बराबर, वो और अपनी बहुत सारी मनोकामना लेके माँ के चरणों पर। तो वो वर्ल्ड कप खेलने से पहले भी माँ के चरणों पे आए थे, अपनी यही मन्नत रखे थे, जैसे हमें पुजारियों से पता चला है कि वो ये मन्नत रखे थे कि वर्ल्ड कप वो जीत जाएंगे तो अपने सर का सारा बाल मंडवा लेंगे। तो ठीक वैसे ही हुआ भी था, MS धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीत लिया था और विदेश में थे वो, फिर भी अपना सारा बाल वो हटवा लिए थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है, काफ़ी मनभावन लग रहा है, माँ का दरबार सज चुका है और आज नवरात्र का 7वां दिन है। 7 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यह संध्या वेला का समय है, मैं नहा धोवा कर थाल सजा कर माँ के दरबार में माँ की आरती में स्वामी होने के लिए पहुँच गई हूँ और यहाँ पर हम संध्या पूजा भी करेंगे। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ दिखाते रहूँगी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और देवी माता की जय जरूर बोलें। तो फ्रेंड्स चलिए सारा व्यू आप देखते रहिए, इंजॉय कीजिए माँ के दरबार का। मैं आपको अंदर भी लेके चलती हूँ, आपकी जो भी मन्नतें हैं माँ के चरणों पर आप समर्पित कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से माँ का मंदिर लग रहा है, मनभावन लग रहा है। मेरा सब हो गया है, इतना अच्छा से पूजा की। हाँ प्लेट नीचे का उठा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप देवड़ी मंदिर का भव्य नज़ारा, बहुत अच्छे तरीकों से चारों तरफ सजाया गया है, पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया है, फूल माला। तो आप देखिए ये नज़ारा, थोड़ा सा अभी लाइट का प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट कट गया है। तब देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा से, देखिए पूरा श्रृंगार हुआ है माँ का, पूरे मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ओरिजिनल फूल से इसको डेकोरेट किया गया है। आज हमारी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई। शाम का समय पूजा थोड़ा सा इजी हो जाता है करना और पंडित जी भी अच्छे से करा देते हैं, सुबह के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है तो इसलिए जल्दी जल्दी करा के बस निकालते जाते हैं, क्योंकि उस समय बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं ना तो वो सब चिल्लाने लगे ना इसलिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से माता के मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो चलिए मैं अभी आपको बाहर का भी लुक पूरा दिखाऊँगी कि बाहर भी किस तरीके से सजाया गया है। नमस्कार।
करुणावतार सारम भुजेन्द्र हारम दावसंतम मृदानविंदे भवम भवामी सहितम नवामी गौरी मैया जय श्यामा गौरी श्याम किस दिन जावत किस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय जम्बे गौरी सुंडल शोभे ना सागरे मोती मैया ना सागरे मोती टीका चंद्र विभाजित चोक चंद्र विभाजर संजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूजा का थाल है, 100 मिनट पे हमने पूजा का थाल सजाया है क्योंकि ये शाम का पूजा है। तो यहाँ पे 16 सिंगार का सामान, फल, मिठाई, दिया, बत्ती, धूप, ये सब करके हम लेके आए थे। दीदी 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 तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया और आरती भी हो गया। पूजा हम आपको पूरा इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि अंदर गर्भगृह पे कैमरा अलाउड नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ हमारा पूजा अच्छी तरीके से हो गया है, आरती भी संपन्न हो गया है। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ फिर से एक बार। तो आप अपनी सारी मनोकामना माँ के चरणों पर रख सकते हैं, माँ से सारी मुरादें अपनी कह सकती हैं। माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं, आपकी भी जरूर करेंगी। तो जय हो देवी माता की। आप सभी को माता के दर्शन कीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं आ सके हैं तो माता की कृपा होगी तो आप कभी ना कभी जरूर।